कल्कि 2800 एडी के सेकेंड ट्रेलर की शुरुआत होती है, जहाँ पर अश्वत्थामा को सिग्नल मिलता है शिवलिंग से कि विष्णु भगवान के 10वें अवतार अब इस धरती पर आने वाले हैं, और फिर वो सुमति को बोलते हैं, लेकिन भगवान तो आपके अंदर गर्भ में यानी कि आपके पेट में है और वो कल्कि की बात कर रहे हैं। और हमको शंबाला के मेन सेंटर का लुक देखने मिलता है, और ये बहुत ही बड़ी ट्री शंबाला के सेंटर में है, और ये ट्री लगता है पीपल का पेड़ हो सकता है, क्योंकि ये सब बोला जाता है कि भगवान विष्णु पीपल की ट्री में होते हैं या रहते हैं। और फिर सुमति उस ट्रक में से बाहर आती है और शंबाला में सेफली आ चुकी है, और इससे ये कंफर्म होता है कि भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा वाली फर्स्ट फाइट में भैरवा हार जाता है। और यहाँ पर हम रेबेल आर्मी को देख सकते हैं, और शंबाला चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और फिर शंबाला में बारिश होती है, और एक औरत बोलती है कल के लिए, और वो किसी चीज को देखकर बोल रही है या फिर इस बारिश से इसका कोई कनेक्शन हो सकता है। और फिर कमांडर मानस एक औरत को बोल रहा है कि आज को मार डालेंगे तो कल तो होगा नहीं, और ये औरत मुनाल ठाकुर की कैरेक्टर हो सकती है। और फिर अपने एक वेपन से जो कि उनके हाथ में है उससे वो एक बीम को फायर करते हैं किसी के ऊपर, और फिर अश्वत्थामा वर्सेस रेडर्स की फाइट होती है उस ट्रक के पास, और फिर भैरवा बोलते हैं एक बड़ी बाउंटी वन शॉट और कॉम्प्लेक्स चला जाऊंगा। फिर हम वीरन राया सुमति और वीरन के एक साथी को लेटे हुए देख सकते हैं ट्रक में, और अश्वत्थामा इन सबको बचा रहा है। और फिर भैरवा को हम शंबाला के अंदर देखते हैं अश्वत्थामा से लड़ते हुए, और काशी के बाहर वो स्पेस सेंटर वाले लोकेशन पे भी। और फिर हम जाते हैं महाभारत के टाइम पे जब कुरुक्षेत्र का वॉर हो रहा था, और यंग अश्वत्थामा को देखते हैं जो कि किसी से तो मार खा रहा है, और उसके पीछे हम एक एलिफेंट को देख सकते हैं। अब क्या ये वही एलिफेंट है जिसको भीम ने मार दिया था, और इस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, और इसलिए मारा था कि गुरु द्रोणाचार्य को लगे कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया है, और फिर वो अपने बेटे के मरने के गम में अपने हथियार फेंक दे या त्याग दे और फिर उनको मारना आसान हो। और ये बात फिर अश्वत्थामा को पता चलती है, और वो अपने पिताजी को देखने आया हो इस हाथी के पास। और फिर जिसने अश्वत्थामा को इतनी दूर फेंका है वो अर्जुन है, जिसको शायद से विजय देवरकोंडा प्ले कर रहे हैं, या फिर ये भीम भी हो सकता है जिसको शायद से राणा दग्गुबाती प्ले कर रहे हैं, और उनके बीच में फाइट हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को तो व्हाइट कपड़ों में देख सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि ये भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं या फिर युधिष्ठिर भी हो सकते हैं। फिर हम कमल हसन के कैरेक्टर सुप्रीम यास्किन के रूम को देखते हैं, जहाँ पर उसके मेन कमांडर आए हैं उससे मिलने के लिए, और यास्किन बोलता है युग आए और गए, कितने मौके मिले तुम्हें, फिर इंसान ना बदले ना बदलेंगे। और इस रूम में हम नीचे पानी देख सकते हैं, और उस पानी में से कुछ वायर्स बाहर आ रही है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है यास्किन के सर के पीछे, उसके पीठ पर और उसके नीचे स्पाइन पर, और वो हवा में भी फ्लोट कर रहे हैं। और उसके आसपास हम 5 बॉल्स भी देख सकते हैं जो कि हवा में उड़ रहे हैं। और उस रूम के वॉल्स में हम 4 क्लोन बॉडीज भी देख सकते हैं जिनको फ्रीज करके रखा हुआ है एकदम क्रायोजेनिक स्टेट में, और लगता है कि ये कली के लिए नई बॉडीज हो सकती है या फिर यास्किन के लिए नई बॉडीज हो सकती है, क्योंकि प्रेजेंट वाली अभी काफी बुरी स्टेट में है और लाइफ सपोर्ट पे चल रही है, और ये क्लोन को वो तभी इस्तेमाल करेंगे जब पुरानी बॉडी पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, और ये नए क्लोन बॉडीज में उसका डीएनए हो सकता है। और ये सिर्फ कुछ चुनिंदा बॉडीज है जो कि कली या फिर यास्किन के फोर्स को झेल सकती है, और वो बॉल्स यास्किन की रक्षा कर रहे हो या फिर इनके अंदर कली है जिससे कि वो यास्किन को कंट्रोल कर सकता है। और जब उसको एक हेल्दी बेबी मिलेगा तो वो उसको अपने रूम के सिस्टम के अंदर बड़ा करेगा एक फुल ग्रोन अडल्ट होने तक, और फिर उस बॉडी में अपने आप को ट्रांसफर कर लेगा। और उनके सर पर क्रैक है जिसकी वजह से हम उसके सर के अंदर से रेड लाइट आती हुई देख सकते हैं, और वो सर पर सिर्फ एक ही बाल बचा हुआ है, और उनके सर को बीच में से ज्वाइन किया हुआ है जिससे कि कोई हुक लगाया हो जिससे कि वो बीच में से ओपन ना हो जाए। और ये हम 2 जगहों पे देख सकते हैं जैसे कि उसको स्टिच किया गया है। और यहाँ पर ये भी लगता है कि यास्किन असल में अभी एक इंसान नहीं है बल्कि एक सुपीरियर लिविंग बीइंग में कन्वर्ट हो गया है, और उन्होंने गले में कई सारे मालाएं भी पहनी हुई है। उसके बाद ये पैर किसके है ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ये महाभारत के टाइम का ही सीन है। फिर हम सुमति और मरियम को देखते हैं रेडस से बचते हुए,
और ये बड़ी रेबल स्पेसशिप में ब्लास्ट होता है और फिर हम महाभारत के टाइम में जाते हैं जहां पर हम उत्तरा को देखते हैं जो कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की बीवी होती है और वो महाभारत के वॉर के टाइम पे प्रेग्नेंट होती है। और जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि द्रोणाचार्य एंड दुर्योधन की मौत हो गई है, वो गुस्से में आकर रात को पांडवों के कैंप में घुस जाते हैं और पांडवों के बच्चों को मार देते हैं, ये समझकर कि वो 5 पांडव थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उन्होंने उनके बच्चों को मार दिया है। और फिर अगली सुबह उनको सेज व्यास जी से ये पता चलता है और तभी पांडवों आते हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया पांडवों के ऊपर और अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन व्यास जी बीच में आकर बोलते हैं कि अपने अस्त्रों को वापस ले लो नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अर्जुन ने तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर पांडवों के वंशज को मिटाने के लिए वो ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर चला दिया और उसके अनबॉर्न बेबी को उसके ही गर्भ में मार दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उस बच्चे को फिर से जिंदा किया और फिर अश्वत्थामा को श्राप दिया। तो यहाँ पर उत्तरा के कैरेक्टर प्ले कर रही है मालविका नायर और अभी ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी के कैरेक्टर प्ले करने वाली है मुनाल ठाकुर। फिर एक बड़ा चैरियट पूरी तरीके से टूट जाता है और एक गधा भी हम देख सकते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स के फर्टिलिटी प्रोग्राम को चलते हुए देखते हैं जहां पर एक लड़की को उसके अंदर डाला जा रहा है और उसके पेट में एक पाइप से कुछ तो डाला जा रहा है या फिर निकाला जा रहा है। और हम जानते हैं कि यास्किन के लिए यानी कली के लिए एक नई बॉडी की तलाश के लिए ये सब हो रहा है जिसमें वो अपने आप को ट्रांसफर कर सके। और क्योंकि उसका फोर्स इतना ज्यादा है कि कई सारी औरतें लड़कियां उनके बच्चे झेल नहीं पाते होंगे, इसलिए वो पेन में मर भी जाते होंगे। इसके बारे में मैंने पिछले ट्रेलर ब्रेकडाउन में डिटेल में बात की है, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। फिर हम सुमति के गले में एक ब्लैक बेल्ट जैसी चीज को देख सकते हैं जो कि वहां की हर लड़की के गले में है। शायद से ये कोई ट्रैकिंग डिवाइस हो सकता है या फिर कोई पेन इन्फ्लिक्ट करने वाला डिवाइस। फिर रेबल के कमांडर को देखते हैं। उसके बाद काशी के लोग कॉम्प्लेक्स के फेंसिंग के बाहर है और वो उसके अंदर आना चाहते है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है और रेडर्स ने शंबाला में अटैक कर दिया है रेबल्स के खिलाफ। और फिर भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा की फाइट हो रही है शंबाला में और सुमति देखती है कि उसके चारों ओर शंबाला पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। और फिर भैरवा एक ट्रांसफॉर्म्ड बुज्जी कार के साथ आता है जो कि अभी एक प्रॉपर रोबोट कंट्रोल मशीन में कन्वर्ट हो गई है जो कि चल वगैरह सकती है। और भैरवा ने इसके टायर्स वगैरह निकाल दिए हैं और नए पार्ट्स लगा दिए हैं और इसको वो भी खुद से कंट्रोल कर रहा है। और एक शॉकिंग बात ये है कि इस मशीन में बुज्जी मौजूद नहीं है, ये बुज्जी की कार है लेकिन इसमें बुज्जी नहीं है। क्या बुज्जी ने भैरवा को छोड़ दिया है या फिर उसको कुछ तो हो गया है या फिर वो इस नए मॉडिफाइड बुज्जी कार के अंदर है, ये सब कुछ हो सकता है। और ये ट्रांसफॉर्म बुज्जी कार को भैरवा अपने हाथों के मूवमेंट से इस मशीन के मूवमेंट्स को मिरर करता है और भैरवा बोलता है अब मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ आ जा। ट्रेलर के माधवा सॉन्ग में माधवा भगवान कृष्ण एंड विष्णु को भी कहा जाता है। भैरवा एक एंटी हीरो होने वाला है जो कि फिल्म के वेरी एंड में रेबल्स के साइड हो जाएगा, लेकिन तब तक वो सुमति को पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा या फिर वो सुमति को पकड़ भी लेगा और उसको कॉम्प्लेक्स लेके जाएगा। और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के बाद उसको पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। ये पॉसिबल है कि कली ने भैरवा को अपने कंट्रोल में कर लिया हो और उसकी सारी अच्छाई मिटा दी हो, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है एंड में। उसके बाद फिल्म में जो कैमियोज होने वाले हैं वो सारे महाभारत के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जहां पर दुलकर सलमान, विजय देवरकोंडा, राणा दकुपति, नानी और एक और एक्टर 5 पांडवों का रोल कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट प्रभास एंड कल्कि 2898 एडी के फैन से कि इस वीडियो को शेयर करें और लोगों के साथ और कमेंट्स में लिख के बताइए अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन में, उसको नेक्स्ट हिडन डिटेल्स एंड थ्योरीज वाली वीडियो में ऐड कर दूंगा। तब तक आप मेरी दूसरी कल्कि 2898 एडी की वीडियोस जरूर देखिएगा जहां पर मैंने कुछ थ्योरीज के बारे में बात की है, आप वो वीडियो यहां पर देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।